मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी की गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि इस देश की युवा पीढ़ी, इस देश की युवा शक्ति कैसी हो, हर एक युवा की कैसी धारणा हो। अगर आप मेरी चार पंक्तियों से सहमत हो तो चौथी पंक्ति में आपकी तालियों का हुजूम देखना चाहता हूँ। स्वागत है भैया। कि जितनी है बड़ी कमियां मेरी तुम माफ कर देना। वाह। कि जितनी है बड़ी कमियां मेरी तुम माफ कर देना। गुनाहों की लकीरों को मेरी तुम साफ कर देना। हो मुझसे हो बुरा कोई कार्य मुझको रोक देना तुम। बुरे हर वक्त में मुझको विवेकानंद कर देना। बुरे हर वक्त में मुझको विवेकानंद कर देना। विवेकानंद कर देना। और मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ, जैसा कि मंच पे मैं सबसे छोटा कवि हूं। अगर आप लोगों की भाषा में समझाऊं तो मैं 10 का नोट और पीछे जो मेरे गुरुजन बैठे हैं ये सब 500 2000 का नोट। और आपको एक बात बताऊं कि बाजार में जितने भी नकली नोट आते हैं वो सब ये लोग, और हम तो कटे फटे जैसे भी हूं वैसे भी चल जाते हैं। तो चार पंक्तियों के माध्यम से और सुनाना चाहता हूँ और अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं वो भारत का बेटा हूँ जिसे हिंदी ने पाला है। मैं वो भारत का बेटा हूँ जिसे हिंदी ने पाला है। यहाँ हर शख्स काबिल है मगर दस्तन ही हारा है। यहाँ हर शख्स काबिल है मगर दस्तन ही हारा है। भले ही पूछ क्यों ना लो जमाने में किसी से तुम, हुई ये सब पे भारी है जो हिंदी पढ़ रहा है। हुई ये सब पे भारी है जो ये हिंदी वर्णमाला है। वाह क्या बात। पिछले दिनों मैं अमेरिका गया साहब, हालांकि ये झूठ है। तो वहां जाके मैंने एक दृश्य देखा। अमेरिका जाओ तो वहां एक पॉलिसी चलती है, आप जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वहां एक मशीन लगी होती है आप मतलब जूते पॉलिश कराने की। आप जैसे पहले पैर डालेंगे तो वो तो पॉलिश करके बाहर आ जाएगा, जैसे ही आप दूसरा डालेंगे तैसे ही मशीन पकड़ लेगी। तो जब तक उसमें पैसे नहीं डालोगे तब तक मशीन नहीं छोड़ेगी। अब अमेरिका पहुंच गए हम भी ठहरे मैनपुरी वाले। अच्छा। हमने पहला पैर डाला, पॉलिश करके बाहर निकाला। मैंने कहा दूसरी मशीन पे चलते, मैंने पॉलिश करने के लिए दूसरी मशीन में पैर डाला, दोनों पैर पॉलिश करवा। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, आखिर भारत वाले है ना। तो स्वागत भैया। चार पंक्तियां श्रृंगार की मैं फिर से देना चाहूंगा आपको। स्वागत स्वागत। कि जियो मरो या मरो जियो तुम, शुद्धि करता पानी है उसके दिल में। मेरे दिल की आग बहुत ही पुरानी है। और चार पंक्तियां देता हूं कि पूरी देश की युवा पीढ़ी है कौन से गीत गाती है भले ही कैसे भी माहौल हो उनके लिए। कि जियो मरो या मरो जियो तुम, शुद्धि करता पानी है उसके दिल में। मेरे दिल की आग बहुत ही पुरानी है। भले रुक्मिणी भाग्य में हो पर, भले रुक्मिणी भाग्य में हो पर, गीत ये गाती जवानी है। मैं हूँ उसका श्याम कन्हैया, वो मेरी राधा रानी है। मैं हूँ उसका श्याम कन्हैया, वो मेरी राधा रानी है। कि नदी तो है बहुत पर सब तो गंगा हो नहीं सकती। अपने देश की सभ्यता पढ़ता हूँ।
कि नदी तो है बहुत पर सब तो गंगा हो नहीं सकती। इलाहाबाद का संगम ये आंखें भूल ना सकती। हमें तो अपनी आंखों से ये वृंदावन ही प्यारा है। यहाँ पर है बहुत कान्हा की राधा हो नहीं सकती। यहाँ पर है बहुत कान्हा की राधा हो नहीं सकती। बेहद प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और जैसा कि अभी अपना हिंदू नववर्ष आया, तो हिंदू नववर्ष के आगमन पर कैसा होता है, किसान को कैसा प्रतीत होता है, किसानों के मतलब हालातों को कैसा प्रतीत होता है, चार पंक्तियां पेश करता हूँ। कि थकित हो हर कृषक अपने की घर अब लौट आया है। थकित हो हर कृषक अपने की घर अब लौट आया है। सभी साधन ही चौपट हैं पुरातन लौट आया है। सभी साधन ही चौपट हैं पुरातन लौट आया है। सभी सूखी थी हरियाली सभी सूखे बगानों में। कोयल गीत गाती है वो मौसम लौट आया है। कोयल गीत गाती है वो मौसम लौट आया है। और आप लोगों के गांव में मुझे इस चिरौली गांव में चिरौली ही गांव खिचौली खिचौली इस गांव में आने का मुझे प्यार मिला। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और बहुत बहुत आभार भाई बड़े भाई मनोज जी का, जिन्होंने मुझे फोन करके इस पावन भूमि पर बुलाया, जिसकी भूमि पर आदरणीय बादल जी जैसे कवि और कितने कितने महान कवि हुए, इस भूमि पर मुझे कविता पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मैं खुद में ही बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस कर रहा हूँ। तो इस पावन भूमि पर चार पंक्तियां आपको पेश करता हूँ, और वो पंक्तियां पेश करता हूँ जो मेरे काव्य जीवन की सबसे अच्छी और सच्ची चार पंक्तियां। चार पंक्तियों के साथ अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूँ, विदा लेता हूँ। और चार पंक्तियों के साथ मैं आपके तालियों का हुजूम मांगता हूँ। समंदर में उठी लहरें तो फिर साहिल भी डरता है। समंदर में उठी लहरें तो फिर साहिल भी डरता है। हमारा देश ये मजहब के अब नारों से डरता है। हमारा देश ये मजहब के अब नारों से डरता है। भगत सिंह चंद्रशेखर सोचते क्या होंगे दिल में अब। और सारे युवाओं की तालियां चाहता हूं, किसी के हाथ झुकने नहीं चाहिए। भगत सिंह चंद्रशेखर सोचते क्या होंगे दिल में अब। युवा हर ओर लड़ता है मगर हर ओर झुकता है। युवा हर ओर लड़ता है मगर हर ओर झुकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भैया वाह, बहुत।